हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग कर रहा हूँ। मैं थोड़ा पीछे बिजी था, घर के कुछ काम, तो इसलिए नो व्लॉग्स। तो आज निकला हूँ काफ़ी दिन बाद बाइक लेके। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए मेरे को बाइक चलाए हुए। तो ये आज निकले हैं। मैं फ़िलहाल करोल बाग जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी डबल सीट है बाइक की, उसका ज़रा कुशनिंग थोड़ा चेंज कराए। क्योंकि अभी क्या है कि टूरिंग वगैरह पे जैसे जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है, थाइस जो है इनर थाइस उसमें पेन होने लगता है, तो उसको ज़रा सॉर्ट आउट करवाएं। मैंने अभी वैसे टूरिंग डीलक्स सीट भी देखी थी जो नई आई है, नई क्या आई है मतलब उसे भी 6 महीने 7 महीने कुछ ऐसा हो चुका है, बट वो ये कि वो पड़ेगी 6,000 रुपये की। द थिंग इज़ कि 6,000 रुपये खर्च करने में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम इज़ कि मेरे पास 3 सीट हो जाएंगी फिर। एक ये जिस पर मैं अभी हूँ डबल सीट, एक जो मेरी सिंगल सीट है वो, और एक जो तीसरी सीट होगी वो, 3 सीट हो जाएंगी। तो अभी ये 2 को तो फिर भी मैं मैनेज कर सकता हूँ स्पेस, लेकिन 3 की स्पेस मैनेज करना मुश्किल है। तो इसलिए मैं इसी में कुशन जो है वो स्टाइल चेंज करवाऊँगा एंड देखते हैं क्या होता है। जेल वाली सीट बनेगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नई वाली जो सीट है उसमें मेरे को पता लगा है कि अंदर जेल का यूज़ करा है, तो होपफुली अगर वो जेल सीट बन जाए तो। कहाँ घुसो गए अंकल जी? बस बाकी तो और कुछ नई डेवलपमेंट है नहीं, यही काम है आज का। तो जल्दी से चलते हैं, चेंज करवाते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। ये स्ट्रीट ग्लाइड है क्या? सो गाइस, करोल बाग का काम हो चुका है,
सीट अपन ने चेंज करवा दी है, मतलब कुशन वगैरह चेंज करा दिया है और स्टाइल चेंज करा दिया है इसका, टूरिंग के लिए बनवा दिया सीट अप प्रॉपर, और हाइट थोड़ी सी नीचे करवाई है मैंने, क्योंकि पहले जो है ना हाथ एकदम स्ट्रेच हो जाता था हाइट ज़्यादा होने की वजह से, और ये जो हैंडल बार से थोड़े नीचे हैं तो हाथ एकदम स्ट्रेच होता था ना, तो उससे भी थोड़ा पेन होता था, तो अभी मैंने स्ट्रॉक हाइट करवा दी है। और सीट का जो स्टाइल है वो मैंने नया वाला जो डीलक्स टूरिंग सीट है उसके जैसा ही रखवाया है, मतलब थोड़ा बहुत वैसा ही है, बाकी कंप्लीट वैसा नहीं है। तो उससे ये है कि कंफर्ट तो है, जो पहले इनर थाई पे सपोर्ट नहीं था अब वो सपोर्ट है, हिप्स पे भी प्रॉपर सपोर्ट है, क्योंकि जो स्टॉक सीट है जीटी की वो एकदम फ्लैट है, फ्लैट इन द सेंस कि मतलब टेपर सीट है एक तरह से, तो उसमें क्या है कि आपको थाई सपोर्ट प्रॉपर नहीं है, एकदम कैफे रेसर की मतलब थोड़ी देर बैठने के लिए तो ठीक है वो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग वगैरह के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें इनर थाई पेन होता है, आपका हिप्स पे पेन होता है, तो इसलिए फिर मैंने इसको इस स्टाइल में करवाया जो डीलक्स टूरिंग सीट है उस स्टाइल में। एंड जो पीछे वाली सीट है उस पर तो बंदा बैठ ही नहीं सकता, तो उसको भी मैंने चेंज करवाया है थोड़ा बेटर कुशन करवा के, और क्या कहते हैं उसमें सिंगल स्टिच डबल स्टिच करवा के, और जो कपड़ा है वो मैंने रेक्सिन रखवा दिया है, एंड बेटर कुशन करवा दिया उसमें। पहला जो कुशन था मेरा जो पहले हो रखा था वो सॉफ्ट कुशन था, एंड मैंने जब उससे बात करी जिसने मेरी सीट बनाई है, वैसे हाँ मैंने जहाँ से सीट बनवाई है उसको भी बता दूँ, मैंने करोलबाग में खजान जी का नाम आपने सुना होगा, या जिसने नहीं सुना है तो वो अब सुन लो, खजान जी करके है एक शॉप, वहाँ से करवाई है मैंने। तो उनसे जब बात करी मैंने तो उन्होंने बोला कि जो परफेक्ट टूरिंग सीट होती है एक तरह से वो होती है कि जब आप सॉफ्ट और हार्ड कुशन के बीच में एकदम रहो ना, तब होता है वो परफेक्ट टूरिंग कॉम्बिनेशन, एंड आपका इनर थाई और हिप सपोर्ट रहे अच्छा तो उस पर भी। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें बोला कि जो आप परफेक्ट बना सकते हो एकदम परफेक्ट टूरिंग के लिए, कि मतलब 3-4 घंटे तो सैडल पर आराम से निकल जाए एटलीस्ट, तो उनसे वही सीट बनवाई वैसे ही। एंड अभी तो खैर नई बनी है तो थोड़ा सेटल होने में भी टाइम लगेगा, बट हाँ काम वाम अच्छा है, स्टिचिंग वगैरह एकदम अच्छी हुई है, रेड स्टिचिंग करवाई है मैंने। एंड क्या कहते हैं रेक्सिन वाला उस पर क्लॉथ चढ़वाया, नॉर्मल जो सिंथेटिक लेदर वाला आता है वो नहीं करवाया मैंने, लगा इस बार चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो वो करवा दिया। एंड मेरे को कॉस्ट करा ये 4,500 rupees, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका इन द लॉन्ग रन, अभी तो जस्ट करवाई है, सेटल होने में भी टाइम लगेगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आपको एक अपडेट दूंगा मैं आफ्टर सम टाइम कि कैसा मेरा इसका एक्सपीरियंस रहा, बाकी होपफुली सब ठीक रहे। सो अब और तो कुछ है नहीं, सो जस्ट एंजॉय द राइड।
तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दिस इज मयंक साइनिंग ऑफ, और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।